हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग स्किन केयर को लेके बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं कि हम अपनी स्किन का केयर किस तरीके से करें। इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा आप क्या हम क्या सभी अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, तो वो अपनी स्किन में कई प्रकार के चीज़ें लगाते हैं जो हमारी स्किन में कई बार इफ़ेक्टिव भी नहीं होती है और उसकी वजह से कई और इशू जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं एक छोटी सी होम रेमेडी आपके लिए लेकर आई थी जो हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, जिससे हमारी स्किन ग्लो करती है। तो जो मैं लेके आई थी वो थी मलाई और चीनी का पेस्ट। मलाई इस तरीके से, मलाई है ये जिसे मैंने लिया है 1 चम्मच। इस मलाई में आप अगर 1 चम्मच चीनी, जो ये चीनी है, इस चीनी को मिला दें, अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ी देर इसको इस तरह से मिलाते रहें। और मिलाने के बाद जो इसके जो पार्टिकल्स हैं, जब हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे, फेस पे हमें इसको हल्के हाथों से मसाज करना है, तो ये जो चीनी के पार्टिकल्स हैं ये हमारे फेस में एज अ स्क्रब काम करेंगे। और स्क्रब ऐसा नेचुरल स्क्रब होगा तो फेस पे तो ग्लो ही आएगा। और मलाई है, मलाई से ये घी भी बनता है, तो ये जो मलाई है हमारे फेस को शाइनी करती है, स्मूथ करती है। स्मूथ करने के साथ साथ आप क्या करेंगे, इसका हल्का हल्का इस तरीके से अप्लाई करके फेस पे जगह जगह आप मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद आप इसको 5-7 मिनट मसाज करने के बाद आप इसको गुनगुने पानी से धो देंगे, क्योंकि अगर आप इसको ठंडे पानी से वॉश करेंगे तो ठंडे पानी से जो होती है, आपको पता है मलाई में अपना ही चिकनापन होता है, चिकनापन होने की वजह से वो जो है वो हटेगा नहीं। तो आपको इस चिकनेपन को हटाने के लिए इसको गुनगुने पानी से वॉश करना पड़ेगा। गुनगुने पानी से जब आप उसे वॉश करेंगे और आप फिर देखेंगे तो आपके खुद को अपनी स्किन स्मूथ और सिल्की सी लगेगी, मतलब स्मूथ मीन्स शाइनी सी लगेगी। तो अगर यही जो तरीका है, ये जो रेमेडी है, आप डेली यूज़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके फेस पे कितना नेचुरल ग्लो आ रहा है। और ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो कोई कर नहीं सकता या कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ये हर किसी की किचन में मिलने वाली डेली की चीज़ है। तो सिर्फ 1 चम्मच मलाई मिला के अगर आप ये स्क्रब तैयार करके फेस पे अप्लाई करते हैं, तो एज ए स्क्रब मान लीजिए या एज ए मसाज क्रीम मान लीजिए, ये दोनों आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो होप करती हूँ आपको ये उपयोगी लगा हो और आप इसका यूज़ करें। और अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।